तो गाइस आ गए अपने बढ़िया माइनक्राफ्ट सीरीज में। और गाइस ये देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने ना अपने वीदर, अपना नहीं था और वीदर को मार दिया था गोलेम के मदद से। वो देखो, मैंने अपने वर्ल्ड में ना ऑलमोस्ट बहुत सारे गोलेम भी स्पॉन कर दिया और अपने घोड़े को गाइस डायमंड आर्मर भी पहना दिया है। और अपने पास भी अभी पूरी डायमंड की चीजें आ गई है, बस कुछ कुछ टूल्स है ना अपने नेदरराइट के और सॉर्ड अपनी डायमंड की। गाइस अपने को ना एक्चुअली अपना पूरा आर्मर और अपनी सॉर्ड भी है ना नेदरराइट की बना देनी है। काम कर दे, सबसे पहले रात हो रही है तो हम लोग सो लेते हैं और मैं सुबह होने के बाद बताता हूँ कि आपको आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। एक्चुअली आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही चुका है, फिर भी मैं बताऊंगा, अभी सो लेते हैं फटाफट। ऑलराइट गाइस, सुबह हो गई। गाइस मैंने ना लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि अपने को ना नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बीकन बनाना चाहिए, क्योंकि अपने को मिला था नेदर स्टार। तो आप में से बहुत लोगों ने लिखा था कि अपने को बनाना चाहिए जो मेरे हाथ में ना ये जिस चीज का है, तो वो वाला लिखा था। बट सच्चाई बता दूं तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ गाइस इतने डायमंड है, तो अभी मुझे सही में नहीं पता कि इतने डायमंड में डायमंड बीकन कैसे बन सकता है, क्योंकि अपने को बड़ा वाला डायमंड बीकन बनाना है और अपने पास हीरे को नेदर स्टार मैंने बीच में रखा है, मुझे डर लगा है कोई चुरा लिया तो इसलिए। और देखो, इतने डायमंड से तो डायमंड बिकन नहीं बनने वाला, इतना मुझे पता है, लाइक कुछ भी नहीं बने का। तो ये डायमंड से कितने ब्लॉक बनते हैं हम लोग देख लेते हैं। ओके, सिर्फ 9 ब्लॉक बन गए, मतलब कुछ काम के नहीं 9 ब्लॉक। गाइस 9 ब्लॉक से तो अपना डायमंड बिकन नहीं बनने वाला, और 99% डायमंड बिकन के थे। और अपने पास ज्यादा से ज्यादा आयरन और एमराल्ड बहुत है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। और कुछ लोगों ने तो लिखा था नेदरराइट का बिकन बना दो, लाइक मतलब आप लोग चाहते हो मैं मर जाऊँ बराबर ना। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, मैंने एक डिसाइड किया, हम लोग ना मल्टी बिकन बनाएंगे, क्योंकि एक दो कमेंट भी थे जिसमें लिखा था कि मतलब मल्टीपल लेयर का बिकन बनाओ, जैसे बड़ा बिकन होगा उसमें टॉप लेयर नेदरराइट डायमंड एमराल्ड ऐसा करके। तो हम लोग ना एक्चुअली मैं बताऊँ तो मल्टीपल लेयर का बनाने वाले, जिसमें ना टॉप लेयर डायमंड होगा, ऑब्वियसली जो जो चीज़ कम है उस हिसाब से हम लोग बना देंगे। अभी मैं देखता हूँ अपने पास क्या क्या कितना कितना है, लाइक गोल्ड तो अपने पास, आयरन और एमराल्ड तो भर भर के, नेदर स्टार, एक सेकंड पहले मैं देख लेता हूँ। ऑलराइट, तो अपने को ना सबसे पहले ना किधर जा रहा हूँ, अपने को थोड़ा सा ऑब्सीडियन और ग्लास चाहिए। ग्लास तो है अपने पास, इधर ऑब्सीडियन रखा होगा मैंने शायद। तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग ना पहले ना बीकन बना देते, एक ही बीकन बनेगा ऑब्वियसली। ये देखो भाई, सब बीकन बन गया। और अभी अपने पास गोल्ड है, देन आयरन और एमराल्ड चाहिए। आयरन तो अपने पास बहुत भर भर के, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और गाइस मैं बता दूं तो बहुत ही जल्दी अपनी जो ये पीछे वाली ग्रीन स्क्रीन है ना, वो भी हटने वाली है। मतलब गाइस समझ लो कुछ तो आने वाला है, लाइक सपोज लो व्लॉग या वैसे टाइप का कुछ तो आने वाला है, घर का या फिर डायरेक्टली चैनल आने वाला है। ऑलराइट, ये देखो अपना गाइस अनलिमिटेड आयरन फार्म, एकदम बड़ा वाला नेदरराइट का नेदर में आयरन फार्म। ओके गाइस, ये देखो अपने पास कितना आयरन है, एक मिनट, ये तो कुछ काम का नहीं है, ये मैं डाल देता हूँ। हम लोग ना पूरा का पूरा आयरन ले लेते, आई थिंक इतना ही इनफ है। अपने पास कितने ब्लॉक बन जाएंगे मुझे नहीं पता। ऑलराइट गाइस, ये देखो अब तक इतनी चीजें हो गई, अभी बस अपने को एमराल्ड, थोड़ा सा एमराल्ड चाहिए, इधर से एमराल्ड के ब्लॉक भी बना देता हूँ। ओके, एमराल्ड इतना भी नहीं लगेगा शायद, क्योंकि चार ही लेयर और पांचवा लेयर में तो बीकन आने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग एक काम करें, एमराल्ड के ब्लॉक्स जमा करें, अपने पास वो भी बहुत ज्यादा है। बट अगर आपको याद होगा तो विदर ने ऑलमोस्ट तोड़ दिया था, इस बार ये वाली बोर्ड लेके जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपने पास बहुत सारी बोर्ड्स है। और अपना ग्लो स्क्विड फार्म भी मुझे एक बार चेक करना है, लाइक वो थोड़ा सा विदर ने तोड़ा था बट आई होप कि सही से काम कर रहा है। और मुझे सही में आइडिया नहीं आ रहा कि अपने को बीकन किधर बनाना चाहिए। एक्चुअली ये वाली चीज़ है ना, मैंने ये क्वेश्चन है ना लास्ट वीडियो में ही पूछना चाहिए था, कोई नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ घर के ऊपर तो पता नहीं, सेंटर में ही बनाना पड़ेगा जिधर भी बनाऊँ। ये देखो ऑलरेडी अपने पास इतने ब्लॉक है, और ये देखो गाइस इधर कितना सारा डिस्ट्रक्शन कर दिया था यार विदर ने। ये देखो एक मिनट, एक फंस गया क्या सही में भाई बाहर, ऐसे ये अंदर कैसे जा सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लाइक सीरियसली। एक मिनट बाहर आजा, ओ भाई बाहर आजा मेरे भाई। अरे अगर गलती से मैंने इसको मारा तो प्रॉब्लम हो सकता है भाई, इसको बाहर ही नहीं आना है। ओ गाइस यार, ये तो मेरा पूरा फार्म खराब कर देगा भाई बाहर। गाइस ये सही में पूरा फार्म खराब कर देगा, इसको मुझे मारना पड़ेगा ऐसा लग रहा है भाई मेरे। बाहर जा भाई, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा।
ओके गाइस, तो ये बाहर चला गया, इसने मुझे पूरा फार्म खराब कर दिया। ओ नो 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 नो, कितना बुरा है भाई ये। वैसे अच्छा इसने लास्ट टाइम मेरी मदद की थी। और ये देखो, ओ भाई वो लगी 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 लगी, बहुत ज्यादा डेंजर ये वाली चीज। अभी गाइस मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा कि अपने को बीकन बनाना किधर छे। आई थिंक ये वाली जगह अच्छी है। लाइक ये देखो, ये वाला भाई पार्ट अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा इधर, सही में यही अच्छा है। ऑल राइट गाइस, तो इधर ऑलरेडी अच्छी जगह है और अभी बस अपने को ये वाले घोड़े को छोड़ देना है। भाई तू जा सकता है, मेरे भाई फ्री है। झूठ बोला गाइस, मैंने इसको फ्री नहीं किया। आजा मेरे भाई, आजा इधर इसको साइड में रख देता हूँ मैं। ओके गाइस, ये देखो इधर अपने गोलेम आना चालू हो गए उधर जिधर मैंने बनाया। तो अभी मुझे बस एमराल्ड ढूंढना है। ओके गाइस, ये वाला भी तोड़ दिया मैंने, जस्ट देखा। एक सेकंड भाई 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 भाई, ये भी तोड़ दिया है। गाइज एक्चुअली एमराल्ड ब्लॉक थोड़े कम है, मुझे एक तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी या फिर ये उठा लेता हूँ अभी मैं टेम्पररी। ऑल राइट, ये देखो भाई साहब कितने सारे उठा लिए, 33 हो गए। गाइज तो अभी रात होने वाली है, हम लोग एक काम कर दे, सो लेते हैं फटाफट से। ये देखो अपना नाम भाई, वेलकम, एकदम बढ़िया से ग्लो रहा है। वो भी फार्म मुझे चेक करना था, वो मैं सुबह का, तो अभी रात हो रही है। ओके गाइस, तो सुबह हो गई, अभी अपने को है ना एक बार ना ग्लो इंसेक्ट फार्म अपना चेक करना है और फिर अपना बीकन तो भाई रेडी है, मतलब इधर ही लगा देना है। लाइक ये देखो इतने ब्लॉक्स भी हो गए, 4 लेयर और ये 5वां बीकन, मतलब एकदम सही से जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं। घोड़े भाई दूर मत जा इधर। ओके ये इधर किधर से आया? आई थिंक गोलेम ने मार दिया भाई, गोलेम बहुत ही ज्यादा। ओके तीन गोलेम हो गए अपने पास, भाई साहब अच्छी बात है। एक सेकंड, इनको भी मैं मार देता हूँ। गाइस ये देखो क्या छुप गए, मेरे को मारेगा। इसको भी मार देता हूँ, किधर गए? ओके वो देखो भाई साहब भाग गया, इतना फास्ट बंदा है। लाइक ऑल राइट गाइस, मुझे लगता है अपना ये फार्म सही से काम कर रहा है क्योंकि मुझे कुछ तो आवाज आ रहा है। ये देखो ऑक्सलॉट है नीचे, एकदम सही से काम कर रहा है। अभी बस नीचे जाके देखना है। लाइक मैं इधर एफ के तो नहीं रहा इसलिए कुछ इंसेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, बट काम तो कर रहा है। ठीक है मुझे लगता है सही से काम कर रहा है, ये रख देता हूँ मैं इधर। ओके ये इसमें फंस गया था भाई, मैं डर गया। 1 मिनट ये हटा देता हूँ, ये तो बहुत बुरी चीज़ है भाई, मेरे घोड़े को बहुत ज़्यादा लगी। ये देखो उसका इतना हार्ट गया भाई, बहुत ज़्यादा डेंजर है ये तो, कुछ भी बोलो डर लग रहा है मुझे तो। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इधर अपना बीकन बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ नीचे वाला लेयर है ना, हम लोग है ना ये क्या बोलते आयरन लगाते उसके ऊपर गोल्ड देन एमराल्ड, आई थिंक इतना इनफ हो जाएगा। 9x9 का आई थिंक बीकन बनता है। लाइक इधर से चालू कर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9। गाइस बहुत बड़ा बनने वाला है, 2 3 4 5 6 7 8 9, डर लग रहा है। ओके आई थिंक अपने पास इनफ आयरन नहीं है गाइस। ओके मुझे लगता है थोड़ा सा और लाना पड़ेगा अपने को जाके। ओके गाइस तो मुझे और आयरन लेके आना पड़ेगा। ओके गाइस 42 आयरन ब्लॉक हो गए। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ अगर अपने ये वाले एपिसोड में टाइम बचता है, क्योंकि बीकन बनाने में इतना नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट जाएंगे वीडियो के, तो हम लोग ना बाकी टाइम में ना नेदराइट अपना एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करेंगे और फिर से नेदराइट की चीजें हो जाएगी। एक ही एपिसोड में दो चीजें, अभी बस अपने को ये भर देना। आई थिंक अभी इनफ हो जाएंगे, वैसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, डोंट वरी। ऑल राइट तो अभी अपने को लगा देने गाइस गोल्ड, और मुझे लगता है गोल्ड थोड़ा सा कम पड़ सकता है। तो गोल्ड थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कम पड़ गया गाइस, मुझे लगता है गोल्ड थोड़ा सा कम पड़ सकता है। तो हम लोग है ना इसके ऊपर एमराल्ड देन गोल्ड लगा देंगे। अगर मैं चेक करता हूँ कितना अपने पास गोल्ड है, मुझे पता है कम है। एक मिट्टी वाला घोड़ा नहीं यार, ये तो इधर बांध के रखा है, अपना फास्ट वाला घोड़ा किधर गया? गाइस ये देखो अपना फास्ट वाला घोड़ा, मुझे नहीं पता इधर क्या कर रहा है भाई, तू आ जा रहे बात कर। ऑलराइट गाइस उसे अपने पास गोल्ड तो है, अभी मुझे देखना है कि गोल्ड के कितने इग्नोट बन सकते है। ओके 22 में आई थिंक बन जाएगा, तो इतना कम पड़ रहा है। तो मैं एक सोच रहा हूँ कि हम लोग ना एमराल्ड ही यूज करते हैं अभी। ओके तो अभी मुझे ये हटाना पड़ेगा, सही में इतने भाई 38 ब्लॉक्स भी कम पड़ गए, मतलब लाइक सीरियसली। अभी अपने को बस एमराल्ड थोड़ी सी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ओके गाइस तो अपने पास अभी बहुत एमराल्ड हो गए, बस रात हो चुकी है तो सो लेते। एक्चुअली उधर भी एक बेड रखना चाहिए, बट पता नहीं यार मुझे ना अपने बोट हाउस में ज्यादा मजा आता है, आई डोंट नो व्हाई, बट आता है मजा ये दो भाई। ओके
आई थिंक बहुत ही ज्यादा बन गए, लाइक सीरियसली बहुत ही ज्यादा हो गए। अरे पास नेदरराइट का आर्मर ही नहीं है तो अभी हम लोग क्या कर सकते, कोई नहीं कभी ना कभी तो आएगा। एक्चुअली यही एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ नेदरराइट का आर्मर भी बना दूं, तो अभी अपने को ना इधर एम्ब्रॉयड ब्लॉक लगा देने, आई होप कि ये तो इनफ हो जाएंगे एटलीस्ट। ऑलराइट ये तो इनफ हो गई, ये देखो भाई साहब बहुत ज्यादा बड़ा बीकन बन रहा है। अभी अपने को गोल्ड ब्लॉक चाहिए, आई होप कि अभी तो एटलीस्ट अभी गाइस अपने गोल्ड ब्लॉक कम नहीं पड़ेंगे, नहीं पक्का पड़ेंगे नहीं कम, क्योंकि इधर क्या है इतने कमी चाहिए। आई थिंक ये 5x5 का लेयर है। ऑलराइट आई थिंक बहुत ज्यादा उल्टा थोड़े से बच गए, और अभी अपने को बस लगा देने हैं गाइस ये वाले। आई थिंक ये 3x3 है तो अपने को कुछ टेंशन नहीं है, छोटा ही है। एग्जैक्ट 9 अपने पास बन गए सर, मैं बता रहा हूँ, और एक डायमंड पिकेक्स बन गई, मतलब अपने पास बहुत ज़्यादा कम था। ये लो भाई साहब डायमंड भी लगा दिए, आप लोगों ने कमेंट में डायमंड बीकन मांगा था, फुल डायमंड बीकन, जिसके लिए अपने पास पैसा नहीं थे, लाइक डायमंड नहीं है, तो अपने को ना स्वैम्प वाली मेथड से डायमंड ढूंढने पड़ते। तो अभी अपने को बस ये वाला बीकन लगा देना है लास्ट में गाइस। भी दिए देखो हाथ में क्या सही लग रहा है भाई, हम लोग डायमंड बीकन बनाने, डायमंड नहीं आई मीन मल्टी बीकन बनाने वाले गाइस, डर लग रहा है। ऑलराइट गाइस तो टाइम आ गया, अभी मुझे नहीं पता ये ऐसे लगाना चाहिए, एक्टिवेट हो रहा है, ओके एक्टिवेट हो गया। ब्रिंग होम द बीकन, बीकन बीकनेटर एंचेंटमेंट मिल गई है गाइस, अपने को एंचेंटमेंट क्या बोल रहा हूँ, अचीवमेंट मिल गई, अपना बीकन भी ओ ठीक है कोई ना, अगर इससे मैं गया अंदर से तो मरूंगा तो नहीं ना, मुझे सही में नहीं पता कि अभी मुझे नहीं पता ये काम कैसे करता है, लाइक प्राइमरी पावर। एक मिनट ये रख के देखता हूँ, इधर कुछ हो गया क्या, मैं चेंज कर सकता हूँ ना इसको, ओके चेंज कर सकता हूँ कभी भी, स्पीड टू रिजनरेशन, ओके ओ भाई स्पीड बढ़ गई क्या सही में गाइस, इतनी कैसे स्पीड बढ़ गई, ओके ये मतलब आई थिंक टेम्पररी चालू रहता है क्या, मुझे सही में नहीं पता था, एक मिनट फिर से लगा के दिखता हूँ। ओके गाइस स्पीड बढ़ गई अपनी, ओ भाई इतना फास्ट जा रहा है बंदा, ओके बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है सही में बता रहा हूँ, और अपना बीकन भी बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है, और आई डोंट नो कैसे काम करता है। स्ट्रेंथ, ओके स्ट्रेंथ नहीं चाहिए अभी तो मुझे, हेस्ट चाहिए, इसको एक्टिवेट कर दूँ क्या। ऑलराइट अभी अपने पास जितने लेक्टर ने वही लगा देता हूँ, मुझे नहीं पता लगाने चाहिए कि नहीं, बट हम लोग लगा देते ऐसे इधर पूरे। ऑलराइट गाइस अभी मुझे लगता है, ओके किधर गिर गया मैं गाइस, अभी मुझे लगता है ये सही से काम करेगा, लाइक रात में सही लगेगा। एक मिनट ये टॉर्च हटा देता हूँ, इधर जरूरत नहीं, इधर भी जरूरत नहीं, आई थिंक अभी ये तगड़ा दिखेगा भाई, ये घास फूस भी थोड़ी सी निकाल लेता हूँ। और गाइस सी एक्सप्लोर मैप अपने को कब एक्सप्लोर करना चाहिए वो भी मुझे नीचे कमेंट में बता दो, अभी मैं सोचा वैसे अपने पास टाइम है तो हम लोग एक काम करते नेदरराइट आई मीन एंशिएंट डेबिस ढूंढने चलते हैं। राइट गाइस ये देखो रात हो गई फाइनली, और भाई सही में यार बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है, दूर से मुझे नहीं पता कैसे लगेगा, मतलब नॉट श्योर, अच्छा दिख रहा है सही में बोल तो, महंगी चीज है इसलिए तो महंगी बोली जाती है। वैसे बीकन का और क्या क्या फायदा होता है मुझे वो पता नहीं, बस स्पेशल पावर्स आती इतना ही पता है, बट गाइस सही में बताओ कुछ भी बोलो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम लोग काम करते सो लेते, फिर सुबह देखते अगर नेदरराइट ढूंढ पाए तो, एंड हम फास्ट फास्ट ढूंढ पाएंगे, इतना कुछ टाइम नहीं लगता। ऑलराइट गाइस तो हम लोग ना हर बार उस साइड चलते, उस साइड आई डोंट नो कौन सी डायरेक्शन है, ओके तो इस बार हम लोग ना -X में जाएंगे, पहले इधर से बाहर निकल लेते, और अभी हम लोग इस साइड चलते, मुझे डर तो लग रहा है क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा मारेंगे गाइस। एक्चुअली मैं बता दूं तो मैंने ना कुछ भी एंचेंटमेंट नहीं लगाई, अगर मैं इधर लावा में गिर जाता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, बट कोई नहीं थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, सही में मैंने एंचेंटमेंट ही नहीं लगाई है। ओके गाइस तो अपनी वही वाली मेथड यूज करनी है जिसमें अपने को ना बॉर्डर के अराउंड घूमना होता है, कि बस मुझे डर लग रहा है लावा ना आ जाए, और y=11 पे हम लोग के गाइस तो अभी तक आई थिंक अपने पास ये दो मतलब टोटल 7 एंशिएंट डेबिस हो गए होंगे, ये देखो भाई साहब 7 हो गए, अपने को 20 चाहिए। ऑलराइट गाइस तो अभी मुझे लगता है अपने को बस एक चाहिए होगा, लाइक सीरियसली बस एक एंशिएंट डेबिस चाहिए, और सही में बता दूं तो अपनी ये पिकेक्स भी गाइस टूटने वाली है, एक्चुअली मुझे ना सही में रिपेयर करनी चाहिए थी मैं। ऑलराइट गाइस तो अपने को फाइनली एक एंशिएंट डेबिस मिल गए और 20 हो गए भाई, तो अभी हम लोग एक काम करते फास्ट फास्ट रिटर्न चलते हैं, सही में बस 20 ही चाहिए आई थिंक, मुझे लगता है 20 ही होंगे यार, मुझे इसको समझ में आ रहा है, अगर ज़्यादा लगेगी तो हम लोग बाद में आएंगे यार। फाइनली हम लोग इधर आ गए भाई यार, मतलब
एशियन डेब्रिज ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतना दूर दूर जाना पड़ता है। ओके गाइस इधर तो रात चालू है भाई, फटाफट से हम लोग एक काम करते, बोट हाउस चलते अपने। और मुझे दिखता है ओके गाइस ये देखो बिकन क्या सही लग रहा है सही में, और इतने दूर से भी दिखता है एकदम बढ़िया है बिकन और चमक रहा है मस्त। ये देखो ये तो अपने लिए रुक के ही है लाइक, ये देखो भाई साइड में हो जाओ साइड में हो जाओ साइड में हो जाओ। पहले हम लोग एक काम करते हैं सो लेते हैं फटाफट से। ओके गाइस सुबह हो गई, एक मिनट कोई तो मुझे मार रहा था ये, आ जा मरता नहीं ये। ओके सही है गाइस, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, गोल्ड किधर गया क्योंकि अभी अपने को नेदर स्क्रैप बनाने हैं। हम लोग एक काम करते हैं, ओके इसमें ऑलरेडी ये था तो ये हटा देता हूँ, ये रख देता हूँ पूरा का पूरा, आई होप कि ये बन जाएगा। ये भी एक बना देता हूँ मैं, स्माइथिंग टेबल इधर रख देते उसके बाद में भी मुझे नहीं पता। ओके हो रहा है फास्ट राइट गाइस ये देखो तो अपने को 20 मिल गए हैं स्क्रैप जो भी बोलते हैं नेदर स्क्रैप, उसके बाद में अपने को चाहिए आई थिंक ऐसे ही होता है उसके बाद में अपने को 5 मिलेंगे राइट। ओके 5 बराबर है आई थिंक, मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में अभी एक काम करता हूँ मैं, केयर उतार लेता हूँ फटाफट से और एक एक करके फिर अपग्रेड कर लेंगे हम लोग। ऑलराइट गाइस नेदरराइट हेलमेट सही में मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है करते हुए फिर से। नेदरराइट बूट्स नेदरराइट पैंट गाइस नेदरराइट पैंट मिल गई, उसके बाद में चेस्ट प्लेट एंड देन अपनी सॉल्ट जिसपे शार्पनर बेस्ट फायर ऑलरेडी लगी है। ऑलराइट सब हो गया, ये तो बस ऐसे ही मैंने बनाई थी क्योंकि इसके ऊपर सिल्क टच है। और ये देखो गाइस सब नेदरराइट की चीज़ें हो गई और ये इसको ओके ये इसलिए ऐसा है क्योंकि इस पर एन्चेंटमेंट नहीं है। ये देखो भाई इस पर एन्चेंटमेंट नहीं है इसलिए ऐसा ही, वो तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लगा सकते एकदम आराम से। ऑलराइट गाइस अपना बंदा फिर से फुल नेदरराइट में आ गया, एकदम तगड़ा लग रहा है एकदम बढ़िया, और अपने पास बीकन भी है। लाइक ये वाले एपिसोड में ना हम लोगों ने बहुत ज्यादा मजेदार चीजें की है। तो गाइस आज के लिए इतने कर देना, आपको भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दे इस वीडियो को, अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपना ये बीकन मल्टी बीकन मतलब सब लोगों ने मुझे बताया डायमंड बीकन मांगा था बट हमारे पास इतने डायमंड है ही नहीं, तो हम लोग डायमंड बीकन भी जरूर बता देंगे। तो इस बार हम लोगों ने ना अपना ये मल्टी बीकन बनाया, उसमें भी हमारे पास गोल्ड कम था तो उतना तो चलता है। गाइस तो अपना ये वाला बीकन आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। फिर अभी यही तो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय गाइस।